kids, welcome back to my YouTube channel, Shoshiadu. In this video, we are going to continue our October 14th article, article number 39. Our article is Satyarthi's classroom bags Guinness record. इस आर्टिकल में हम पढ़ने वाले हैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना जो नाम है वो दर्ज करवाया। ये जो आर्टिकल है ये अभी तक का सबसे छोटा आर्टिकल है, जैसे कि ये देखकर काफी अच्छा लगा क्योंकि ये करीब 8 to 10 लाइंस का ये आर्टिकल है। ये अभी तक 39th नंबर है इस आर्टिकल का, तो जितने भी अभी आर्टिकल पब्लिश हुए तो उनमें सबसे छोटा आर्टिकल है। हम चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन अक्टूबर 11 इन जयपुर थ्रू सत्यार्थी क्लास। जो कैलाश सत्यार्थी हैं, नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी, मतलब लॉरिएट का यहाँ पे मतलब है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जिसको कोई प्राइज दिया गया हो, यानी पुरस्कृत पर्सन, मतलब किसी को कोई प्राइज दिया गया हो। जैसा कि वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है नोबेल लॉरिएट, यानी इनको जो है नोबेल प्राइज से पुरस्कृत व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी ने जो है अभी अक्टूबर 11 को जयपुर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो सेटअप किया है थ्रू सत्यार्थी क्लास। पहले मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे यूज हुआ है नोबेल लॉरिएट, तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफ के साथ जो है वो नोबेल प्राइज मिला। क्यों मिला था, किस फील्ड में मिला था, एक्चुअली इन दोनों ने जो है स्ट्रगल किया था चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ साथ सेक्सुअल अब्यूज, एंड इन दोनों ने बच्चों के जो राइट्स हैं उनके लिए आवाज उठाई थी। इस फील्ड में जो है इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया। मलाला यूसुफ की बात करूं तो मैं मलाला यूसुफ एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है, वेयर एज कैलाश सत्यार्थी जो है वो इंडियन एक्टिविस्ट। अब यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड सत्यार्थी क्लास। सत्यार्थी क्लास से हमारा मतलब है एक अ काइंड ऑफ अ सेशन, मतलब एक बहुत बड़ा सेशन कंडक्ट हुआ जिसमें जो है कई सारे स्टूडेंट्स आए, फिर उस इतनी ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स आए जिसकी वजह से इनका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ही वाज जॉइंड बाय अराउंड 4 करोड़ स्टूडेंट्स फ्रॉम 23 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। मींस ये जो है, ये जो सत्यार्थी क्लास है ये ज्वाइन की गई करीब 4 करोड़ स्टूडेंट्स के द्वारा फ्रॉम 23 स्टेट, मतलब 23 स्टेट से अराउंड 4 करोड़ स्टूडेंट्स ने जो है इस क्लास को ज्वाइन किया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब ये सत्यार्थी क्लास सेशन हुआ, कोई भी सेशन हुआ, कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी जो है सेशन कंडक्ट करते हैं, कोई ना कोई थीम होता है, इस थीम पे जो है वो आज बात करने वाले हैं। तो इसमें भी जो है, इस क्लास में भी जो है एक थीम था जिसके ऊपर जो है वो बात करने वाले थे स्टूडेंट्स। अब ये थीम था, द थीम ऑफ द क्लास वॉज Increasing awareness on the dangers of the sexual abuse. मतलब इस क्लास में वो बताने वाले थे स्टूडेंट्स के अंदर जो अवेयरनेस, वो बताने वाले थे कि आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए ऑन द डेंजर्स ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ जो है आपको अपनी सेक्सुअल अब्यूज के बारे में जो है आपको अपनी जागरूकता मीन्स अवेयरनेस जो है बढ़ानी चाहिए। And it was attended by 50,000 students. See the points. It was attended by 50,000 students, whereas it was joined by around 4 crore students. Can you see the difference? इसको जो है अटेंड किया था एट दैट टाइम, उस समय पे 11th अक्टूबर को करीब 15,000 स्टूडेंट्स ने इसको अटेंड किया था, वेयर एज ये जो ये क्योंकि एक मिशन हो गया ना, तो ये ज्वाइन किया गया करीब 4 करोड़ स्टूडेंट्स के द्वारा। ये जो है, ये दोनों पॉइंट्स काफी कंफ्यूजिंग है, तो ये आप इन दोनों को मिक्स ना करें, रिलेट ना करें, इनका जो है डिफरेंस जो है वो याद रखें। तो ये दोनों डिफरेंस है कि ये अटेंड किया गया था 15,000 स्टूडेंट्स के द्वारा, वेयर एज ये ज्वाइन किया गया 4 करोड़ स्टूडेंट्स के द्वारा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैलाश सत्यार्थी जो है उन्होंने जयपुर में एक सत्यार्थी क्लास कंडक्ट की जिसमें जो है करीब 15,000 स्टूडेंट्स आए, और उनका जो थीम था वो था इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन द डेंजर्स ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज, उसके बारे में जो है उन्हें बात करनी थी स्टूडेंट्स के साथ ताकि जो है अवेयरनेस बढ़।
एक और पॉइंट है जो कैलाश सत्यार्थी है, जैसा कि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है नोबेल लॉरिएट, ये जो है सेकंड इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था आफ्टर मदर टेरेसा, यानी 1979 के बाद जो है मदर टेरेसा के बाद ये एक सेकंड पर्सन होगा जिन्हें 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। ये पॉइंट जो है आर्टिकल में नहीं दिया है तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सेकंड इंडियन थे जिन्हें 1979 के बाद 2014 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया। जब मैं इस आर्टिकल के बारे में एक्चुअली सर्च कर रही थी तो मैंने कई बार जो है गूगल किया कैलाश सत्यार्थी, अब उसमें आ रहा कि कैलाश शर्मा, मैंने दोबारा गूगल किया, मुझे ये फैक्ट पता चला कि जो कैलाश सत्यार्थी है इनका रियल जो सरनेम है वो है शर्मा, मीन्स कैलाश शर्मा, बट इन्होंने अपना सरनेम चेंज कर लिया। व्हाई? एक्चुअल जो शर्मा है ये जो अपर कास्ट में लाई करते हैं ये कास्ट, तो अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट के लोगों को बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं और साथ ही साथ उनका बिहेवियर जो है वो काफ़ी ख़राब रहता है। बट जो कैलाश सत्यार्थी थे वो ऐसे नहीं थे, वो शुरू से ही जो है ये सोशल सर्विस हुआ इन सब कामों में काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव रहे और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इसके बारे में किया भी, जैसा कि देख सकते हैं आप। तो उनको ये जो है ये बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने अपना सरनेम चेंज कर लिया, उन्होंने सरनेम चेंज करके अपना सरनेम कर लिया सत्यार्थी, यानी सत्य का साथी, जो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सच के साथ रहे। तो ये जो है ये एक फैक्ट है जिन्होंने अपना नाम जो है चेंज कर लिया। इन्होंने कई सारे जो है मूवमेंट भी स्टार्ट किए, जैसे कि बचपन बचाओ आंदोलन एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे जो है इन्होंने आंदोलन जो है स्टार्ट किए। एंड साथ ही साथ जो है इन्होंने 114 आई थिंक 114 कंट्रीज में, यानी नॉट 114 नॉट 144 कंट्रीज में, इन्होंने 144 कंट्रीज के बच्चों को जो है इनके राइट्स के लिए इन्होंने लड़ाई की और कई सारे इनके एक्टिविस्ट मतलब अलग अलग जगहों पे जो है इनके कई सारे इनका पूरे देखिए ये इंटरनेशनल नेम है, क्योंकि नोबेल प्राइज मिलना कोई आसान बात नहीं है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल किया, ये पहले इंजीनियर थे, बाद में जो है इनका इस साइड इंटरेस्ट होने की वजह से इन्होंने जो है अपनी वर्क चेंज कर लिया, प्रोफेशन चेंज कर लिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एक्चुअली दिस इज वेरी इजी आर्टिकल, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट सो दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, एंड ये एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ ही गया होगा। एंड अगर अभी भी आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है तो आप मुझे कॉमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, एंड प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।